प्राचीन भारत में लोगों का मनोरंजन करने के लिए कहानीकार पूरे देश में भ्रमण करते थे और गीत संगीत के माध्यम से देवी देवताओं की महाकाव्य कहानियों का वर्णन करते थे। ये थे कथाकार और इनकी मुख्य शैली कथक आज भी समृद्ध है। इस नृत्य रूप की जड़ें परफॉर्मिंग आर्ट्स पर आधारित एक संस्कृत हिंदू पाठ से मिली जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। इसे प्राचीन भारतीय थिएट्रोलॉजिस्ट और संगीतकार भरत मुनि ने लिखा। इसमें अलग अलग अध्यायों में बने हजारों छंद पाए गए। ऐसा माना जाता है कि इस पाठ का पहला पूर्ण संस्करण 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा में तैयार किया गया, लेकिन कई स्रोतों में ये समय 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक कहा जाता है। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन संस्कृत शब्द कथा से निकला कथक भारतीय संस्कृति की अनूठी पहचान है।